हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्पेक्सिम टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। इस टैबलेट का प्रयोग जब किया जाता है, जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, साइनस और भी इसके बहुत सारे यूजेज हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या इसकी यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशन है, क्या इसकी इंट्रैक्शन है और क्या इसकी डोज है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्पेक्सिम टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। जीफी टैबलेट के बारे में बात करें तो FDC कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो स्पेक्सिम 200 mg में कंपोजिशन दिया होता है। अगर हम इसके MRP के बारे में बात करें तो ₹107 इसका MRP होता है और 10 टैबलेट्स एक स्ट्रिप में आती है। अब मैं आपको सबसे पहले इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स बता देता हूँ। अगर आपको जीफी नाम से टैबलेट ना मिले तो आप इन नाम से भी इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। सेफी लैब टैबलेट, मिलेक्सिम टैबलेट, मासेफ टैबलेट, सेफ्टास टैबलेट, सेफ स्पेन टैबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इन नाम से भी आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। एक ही बात है, सिर्फ कंपनी और MRPs का फ़र्क है। इनमें से जो आपको रेट के हिसाब से ठीक लगे आप वो खरीद सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीफी टैबलेट काम कैसे करती है। जीफी टैबलेट एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया को बैक्टीरियल प्रोलैक्टिव कवरिंग, यानी कि जो उसकी कोशिका झिल्ली होती है, बनाने से रोककर बैक्टीरिया को मारती है, जो कि बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। अब हम इस टैबलेट के यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं। किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। कान के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। कान का संक्रमण, जिसको कि हम ओटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया मध्य कान की सूजन संबंधी बीमारियों का एक समूह है। यह मुख्य रूप से दो तरह का होता है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और ओटिटिस मीडिया। तो कान के संक्रमणों को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो साइनोसाइटिस के इलाज में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। साइनोसाइटिस क्या है? साइनोसाइटिस में साइनस में सूजन आ जाती है और यह किसी संक्रमण के कारण होती है। आप सिर दर्द या अपने चेहरे में दर्द, नाक बंद होने का अनुभव कर सकते हैं। कई बार इसमें नाक से हर पदार्थ बहने लगता है। दर्द इस बात पर निर्भर करता है कि पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार के साइनसाइटिस से प्रभावित है। साइनसाइटिस आम सर्दी जुखाम के रूप में होता है और फिर यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के रूप में पूरी तरह से विकसित हो जाता है। तो साइनसाइटिस के इलाज में डॉक्टर के द्वारा जीफी टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो गले के इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। गले में इन्फेक्शन वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसके कारण गले में दर्द, सूजन व जलन होने लगती है। गले में संक्रमण के मुख्य लक्षणों में गले में दर्द, खांसी, नाक बहना, बुखार, लसीका ग्रंथि में सूजन आदि शामिल होते हैं। यदि गले में इन्फेक्शन बैक्टीरिया के कारण हुआ है तो उसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा किया जाता है। यदि वायरस के कारण हुआ है तो उसका इलाज करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह अपने आप ठीक हो जाता है। तो गले के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो टॉन्सिलाइटिस में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। टॉन्सिलाइटिस क्या है? टॉन्सिल एक रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। वे संक्रमण से आपके शरीर की रक्षा करने में मदद करते हैं। जब टॉन्सिल्स संक्रमित हो जाते हैं तो इस स्थिति को टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। टॉन्सिलाइटिस के लक्षणों के बारे में बात कर तो गले में खराश होना, टॉन्सिल्स में सूजन, बुखार का होना। तो टॉन्सिलाइटिस को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो ब्रोंकाइटिस में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। ब्रोंकाइटिस में श्वास नलियों में, मुंह में, नाक में और फेफड़ों के बीच के हवा के मार्ग में सूजन आ जाती है। विशेष रूप से ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाइल ट्यूब की लाइनिंग में सूजन हो जाती है। ब्रोंकाइटिस से पीड़ित लोगों को फेफड़ों में हवा और ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। तो ब्रोंकाइटिस के इलाज में डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और बात करते हो निमोनिया के इलाज में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। यह एक संक्रमण है जो एक या दोनों फेफड़ों के वायु के थैलों को
द्रव या मवाद से भरकर सुझा देता है, जिससे बलगम या मवाद वाली खांसी, ठंड, बुखार लगने लगती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। तो निमोनिया को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है। मूत्र मार्ग संक्रमण सूक्ष्म जीवों से होने वाला एक संक्रमण है। अधिकांश यूटीआई बैक्टीरिया के कारण होते हैं, लेकिन कभी कभी यह फंगस, वायरस के कारण भी फैलता है। तो यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है। और बात करें तो गुर्दे के संक्रमण में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। टाइफाइड बुखार में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। स्किन के इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इस टैबलेट के यूजेज के बारे में जानकारी थी। हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस टैबलेट का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब पेशेंट इस टैबलेट को यूज करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स उन्हें देखने को मिल सकते हैं? लाल चकत्ते होना, दस्त होना, सिर में दर्द होना, पेट में गैस का बनना, अपच, चक्कर आना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम इसकी इंटरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी दवाओं के साथ इसको यूज ना करें? वारफरिन टैबलेट्स के साथ भी आपने इस टैबलेट को यूज नहीं करना है। अमिकासिन इंजेक्शन के साथ भी आपने इस टैबलेट को यूज नहीं करना है। इथेनॉल एस्ट्राडियोल के साथ भी आपने इस टैबलेट को यूज नहीं करना है। कार्बामाजेपिन टैबलेट के साथ भी आपने इस टैबलेट को यूज नहीं करना है। और बात करें तो प्रोबेंसिन टैबलेट के साथ भी आपने इस टैबलेट का यूज नहीं करना है। ये कुछ मेडिसिन हैं, इनके साथ आपने इस टैबलेट का यूज नहीं करना है। अगर आपने यूज किया तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिले या हो सकता है आपने जो मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट को लेते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई महिला प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है वो इस टैबलेट को ले सकती हैं, पर इस टैबलेट को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। और बात करें तो यदि कोई पेशेंट है जो इस टैबलेट के प्रति हाइपर सेंसिटिव है तो वो इस टैबलेट को यूज ना करें। तो फ्रेंड्स, ये इसकी प्रिकॉशंस के बारे में जानकारी थी। अब हम बात कर लेते हैं जो इन बीमारियों से ग्रसित हैं उनको भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। जिनको हाथों में सूजन है, पेट में सूजन है, गुर्दे की बीमारी है या किसी ड्रग से एलर्जी है या सिफालिस है या लीवर रोग है तो उनको भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। अब वीडियो क्लास में हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डोज पेशेंट के लिए चलती है? जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेडिसिन की डोज हमें सही पेशेंट की बॉडी वेट, उसकी एज और जो उसको प्रॉब्लम है, इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करके दी जाती है। वैसे इसकी जो नॉर्मल डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर एडल्ट्स में बात करें तो इस टैबलेट को दिन में दो बार सुबह और शाम 200 mg टैबलेट दी जाती है और खाना खाने के बाद ही इस टैबलेट को लेना होता है। ये इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।